अंदर मंदिर के बाद माता जी का मंदिर जो मेन लेक है यार वो तो आगे जाके है। सो यहाँ पर जो मंदिर है भगवान परशुराम जी का मंदिर है और अंदर मत्था टेक लिया है। एक दो चीजें और है जैसे ना यहाँ पर ना कॉइन्स नीचे लगा रखे है जमीन में, ये देखो आई थिंक अगर मैं पूछूंगा इस बारे में कि कारण क्या है इनको कॉइन्स को कॉइन्स से पता नहीं बना के लगा रखे हैं, एक मुझे इसका पूछना है कि क्या कारण है, कुछ मन्नत है या कुछ किसी चीज़ को लेके यहाँ लगा रखे हैं। तो अभी तो मत्था टेक लिया, अभी धूप जलाने जा रहा हूँ, सामने जो हवन कुंड है वहाँ पर दिखा देता हूँ। तो धूप जलाए थे बस, फिर बताता हूँ आगे बाकी डिटेल में अगर मत्था मुत्था टेक लेता हूँ। यार एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ ना पेड़ देखो, गुलर का वृक्ष, 200 वर्ष पुराना वृक्ष है ये 200 साल पुराना पेड़ है सामने वाले। और जो पीपल का वृक्ष है ये लगभग 250 वर्ष पुराना है, 250 साल। और सामने जो पेड़ है गुलर का ये वाला, ये भी तकरीबन 250 साल पुराना पेड़ है। देख रहे हो कि इसने कितने मौसम कितनी चीज़ें देखी होंगी, इस पेड़ ने कितनी चीज़ों का गवाह होगा पेड़, ये हर चीज़ बदलते हुए यहाँ पर। ये रहा अपन हमारे परशुराम भगवान जी का मंदिर, वहाँ पर है रेणुका माता जी का और यहाँ पर है दशावतार विष्णु भगवान जी का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं रेणुका लेक, डंडी लंबी करता हूँ, अब हम जा रहे हैं हेडिंग टू रेणुका लेक, लेक की ओर जा रहे हैं, बोटिंग करेंगे, थोड़ा स्विमिंग करेंगे वहाँ पर, स्विमिंग बोट के साथ ऐसे नहीं करने वाले यार, मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है। कछुए की सफारी, कछुए की सफारी, इसलिए सफारी सफारी, हाँ सुना है कि कछुए बहुत बड़े हैं, वो अभी जाके देखते हैं वहाँ पर। ये देखिए हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हाँ तो वेले रखो, देख रहे हो कितने ध्यान से, बंदर देख रहा था बड़े ध्यान से देख रहा था, ऐसा लग रहा था भाई फोन मेरा ब्लॉग आगे बंदर कंटिन्यू कर रहा होता भाई। यार सोवेनियर शॉप, अच्छा जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी माता जी कर रहा हूँ। अंकल जी लेक किस साइड है, जो बोटिंग बोटिंग वाला इस साइड है? हाँ जी। थैंक यू जी, ये रोड जा रही है, कितना आगे है? अनाली है ना, थोड़ा सा आगे भैया, आए तो मैं पहले भाई अपने आगे पकौड़े, आलू के पकौड़े, चलो थोड़े पकौड़े पकौड़े खाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं वहाँ पर अपना बोटिंग करने। भाई नाक मेरी सूज की है यहाँ से, हाँ भाई हुलिया थोड़ा चेंज हो गया, बकवास मत कर। तो बस चलते हैं, बहुत ज्यादा बकवास हो रही है थोड़ी, बस बोटिंग करने चलते हैं पकौड़े खा के। A few minutes later. चले बोटिंग करने, पैडल मार रहे हम, चले बोटिंग करते, ये बैठा है हमारे आगे गोलू, गोलू राइडिंग जैकेट के ऊपर एक और जैकेट डाल के, कौन डालता है यार, जरा कैमरा घुमाओ, क्यों कैमरा घुमाओ यार यहाँ माहौल थोड़ा बढ़िया है। भैया कह रहे हम, हमें लगा कि यू टर्न मार के आएंगे वो पूरा एंड में जाएंगे, पर भैया ने ना उम्मीद तोड़ दी, कह रहे आगे नहीं जाना भाई। शाबाश, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हम बोटिंग करते हुए और ये मोहित मेरे साथ को पायलट, भाई क्या भाई पोजीशन है, जल्दी हो सीधा बैठ जा स्टीयरिंग संभाल लो, ये ड्रिफ्ट मारी मैंने फुल स्पीड में। तो अभी सीन क्या है, हम लोगों ने डाले यहाँ पर खेल थोड़ी सी मच्छियों खिलाने के लिए, मोहित
एक बार रुक जा, मैंने इसको थोड़ा किनारे पे ले जाता हूँ, अगर मौका मिला तो दिखाता हूँ। आई थिंक कैमरे में दिख रही होगी, ये देखो भाई पूरा झुंड आ गया। ओ भाई गुड 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 मोहित गुड, ये आई बाहर, ये निकली। आजा आजा हिल मत हिल मत हिल मत मोहित, हिल मत हिल मत हिल मत। शैडोज दिख दिया ना पानी के ऊपर, फिर डर जाते हैं भाई। बहुत सारी मछलियाँ हैं ये देखो, और बच्चे छोटी भी नहीं है बड़ी। अबे इतने पास में गिर, वो देख सामने देख उधर, उधर बहुत है, सारी आ रही है। तो बस इस चक्कर में हमारे को शॉर्ट भी मिल गया और मछली को चारा भी डाल दिया हमने। तो बस अब बहुत हो गई पैडलिंग, चलना है वापस की करें। टाइम क्यों है पहले, टाइम तो बहुत हो गया वैसे, वहाँ वापस जाने में टाइम लगेगा, बाइक भी बुक करानी है। और दूसरी चीज़ है, गुरप्रीत ने एक चीज़ बुक करानी है, उसका नाम है बाइक, तो उसके लिए भी जाना है हमें। उसका नाम है बाइक, वाओ, इससे बाइक बुक करानी है, उसका नाम बाइक है, ठीक है। और हम नंगे पैर, अरे हाँ यार एक चीज़ ना भूल, बोट में नंगे पैर आ रखे हैं। नंगे पैर आने के कारण क्या है, शब्द दिखाने जरूरी सी कहना था नहीं है। सब जनता को सब कुछ स्पष्ट रूपों में देखना, रूप में देखना लोगों, तो नंगे पैर इसलिए हैं, कहते हैं रेणुका जी है जो माता की जो है ये लेक है, तो इसलिए यहाँ पर आप जूते लेके नहीं जा सकते नदी में, नदी लेक। अरे मोटर बोट मिलेगी क्यों, क्यों वो रेस्क्यू के लिए इमरजेंसी बोट। अच्छा हम फंस जाए वहाँ जाके, फिर आ जाओगे? हम आते हैं फिर। हम जा रहे हैं जू देखने, यार फ्री थी यार। तो हम आ गए हैं जू में घूमने, यहाँ कुछ मेरे खूंखार जानवर हैं जिनको हम देखने आए हैं। हम इसके जैसे, इसके जैसे कुछ कमजोर। गुफा यहाँ जाना है, बैग खोल यार, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ये रहा, अब मैं देखता हूँ, मैं निकलता हूँ वैसे। ओ भाई भाई तनुज फंस जाएगा ना, ये रास्ता है मेरे जितना बराबर, देखो सोना है ना। एक वो लेटा हुआ, हाँ फर्स्ट टाइम भाई घोड़े बेच के सो रहे थे, घोड़े बेच के सो रहा है भाई। तीन दो खा के, हाँ मजे से पैर रखे, वो नकली वाला डाल रखा हो, हाँ नकली वाला पूछ ला रहा, देखो चक्कर क्या, उसका रोजा काम है क्या, रोज आके लोग सीटियाँ मारते हैं। चलो चलिए यार आगे। हाँ सो गाइस अभी हम है, मैं दिखा रहा था आपको जो ये मंदिर है छोटा सा बना हुआ है, तो जो पीछे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ऊपर से पानी आ रहा है ना, ठीक है दिखाता हूँ। जो भी इस दूध या पानी को ग्रहण करना चाहेगा उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं तथा तो उसे सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। तो ऊपर माता का मंदिर है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर पानी आ रहा है, और अपना ये जो पूरा पाथ बना हुआ है, यानी हम उस साइड से आए हैं, तो ये काइंड ऑफ वो सामने भी रास्ता दिख रहा होगा, पूरी लेक का एक चक्कर लगाते हुए, यानी एक परिक्रमा है पूरी, यानी ये जो आप देख रहे हो लेक, अगर लेक को अगर आप ऊपर क्लिफ से देखोगे ना, टॉप से देखोगे लेक को, तो आपको लगेगा कि एक जैसे लेडी है वो एक लेटी हुई है, उस शेप में जो है इस लेक का आकार है, ठीक है। पंडित जी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर क्या था कि जो माता है वो दूध पिला रहे थे, ठीक है, पुत्र को यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, तो पंडित जी ने बताया, तो कहते यहाँ पर पहले, कह रहे तीन पुरुष जनरेशन हो गई हमारे यहाँ पर बैठते हुए, तो पंडित जी थर्ड है, तो कहते पहले यहाँ पर दूध आया करता था, ठीक है, और इसी पानी से ये पूरी लेक ना भरी हुई है, लेक का कोई और सोर्स नहीं है। पंडित जी कोई और कहीं और से पानी तो नहीं आ रहा यहाँ पर, सिर्फ इसी पानी से ये लेक है, अब देख लो यार।
ये पूरी परिक्रमा है ना, ये परिक्रमा से आप तो माँ मंदिर में जाओ तो गोवर्धन बच्चा का ही मंदिर है। अच्छा, तभी बुला रही हूँ अपने बेटे को, गोवर्धन बच्चा। हाँ जी हाँ जी, परशुराम भगवान जी। ओके ओके, तो सिर्फ यहीं से पानी आ रहा है पूरी लेक में ना? ना बढ़ेगा ना घटेगा, इतना ही रहेगा। आप सर्दी में आओ गर्मी में आओ, पानी इतना ही आता रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ देख लो लिखा हुआ ऊपर, मैं दिखा देता हूँ, श्री रेणुका जी का तीर्थ। तो आई थिंक देख के समझ गए होंगे कि पूरा पढ़ लिया होगा कि क्या लिखा हुआ और क्या है यहाँ पर, क्या मान्यता है। अच्छा है शॉट कि क्या मान्यता है यहाँ पर। भगवान परशुराम को उनकी माँ यहाँ पर दूध पिला रहे थे, तो ऊपर मूर्ति भी बनी हुई है जिसे माता दूध पिला रहे हैं। तो देखो पंडित जी बताया कि कोई और सोर्स नहीं है पानी का यहाँ पर आने का, सिर्फ यही है यहाँ से आ रहा पानी, और ये पानी ना घटेगा सर्दियों में ना गर्मियों में, पानी का फ्लो इतना ही रहेगा। चलो माथा टेकते हैं, देन निकलते हैं आगे। बहुत ज़्यादा अच्छा था पानी, तभी करते हैं। तो यार यही है, माथा टेक लिया। तो जब आप आते हो ना जगह में, हाँ मेरी नाक लाल हो रखी है एक साइड से, अलग ही चमक रही है। जब आते हो ना कहीं पर, तो उस जगह की मान्यता के बारे में तभी आपको पता लगता है। तो अभी पंडित जी ने पूरा डिटेल में बताया कि क्या कैसे था। मेरी थर्ड जनरेशन है जो यहाँ पर बैठ रही है, ठीक है, जो देख रही है। पर यहाँ पर ना यार पंडित जी ने बोला कि गलत है, यहाँ पर ना पर्ची काटते हैं जू के नाम पर, पर्ची काटनी चाहिए। बिकॉज कह रहे ये तो पूरी परिक्रमा है, पूरा चक्कर है। कोई वैसे अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं जू है देखने के लिए, पर एक्चुअल में ये पूरी परिक्रमा है लेक की। तो लेक में इसलिए अब सब चीज़ें ना उसे अगे मेन मंदिर मेंशन करनी चाहिए कि उसे परिक्रमा और सारे जाके आ। हाँ, तो अब लोग आ रहे हैं, सफल हो गई। हाँ, अब आ रहे हैं तब पता लगा कि हम अगर जू के बहाने आ गए, हम पता ना जू का है, जू के चक्कर में आ गए कि चल जानवर है वो देख लेंगे। अब एंड में आके पता लगा कि ये एक्चुअल परिक्रमा है, और हम लेक में जूते क्यों नहीं लेके जा सकते, वो भी बोट में, ये कारण है। अब देखो यार इतना सा पानी का सोर्स, वेरी सीक्रेट। हाँ, और पानी देख लो यार, थोड़ा सा कितना पानी आ रहा है सोचो, और इतने से पानी लेक को पूरा ये कह रहे भरा हुआ है। yes. कहीं और से पानी नहीं आ रहा है, और लिखा हुआ वहाँ पर बकायदा, डजंट मैटर इन व्हिच टाइम ऑफ ईयर यू कम, द फ्लो विल रिमेन द सेम। दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। तो अल्टीमेट यार मज़ा आ गया, अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखकर। टीका भी लाल, मेरी नाक भी टमाटर जैसी लाल हो रखी है। चलो सेम सेम भाई, 3 किलोमीटर का जबरदस्त कार्डियो हो गया। अब तो खैर क्या है, बस हेलमेट उठाते भैया जहाँ से प्रसाद दिए थे उनके पास हेलमेट रखा है, और बस निकल रहे वापस घर की ओर। तो रास्ते में मिलता हूँ, तक भी यार आला सारा, और भूख लग रही है यार, आगे रुकते ना तो रेस्टोरेंट ढूंढते पहले। तो बज गए 6, और अच्छा हम 4 बजे वहाँ से निकले, 4 बज के 4:15 बजे, तो अच्छे टाइम पे हमने बाइक खींच दी और यहाँ पहुँच गए सकेत में, यानी कुमारहट्टी पहुँच गए हैं। और अपने को लगेगा यहाँ से 1 घंटा और मैक्स टू मैक्स चंडीगढ़, और ठंडा हो रहा है माहौल, कुछ खा के निकलते, क्योंकि खाया भी कुछ नहीं है तो रुक गए हम। ठंडा हो गया मौसम भाई, यहीं पर ठंड होती है इस एरिया में, अगर कसौली वाली रोड की बात करें वहाँ इतनी ठंड नहीं होती है। तो बस घर निकलते, विंटर लाइनर्स मेश में घूम रहे हैं, ठंड लग रही है। हेलो भाई, हमारा खाना आ गया भटूरे। ओहो भाई, देख के जाने कुछ खाएंगे, अब धर पर पैर तोते उड़े हुए हैं,
और निकलते हैं खा के यहाँ से। सो गाइस बज गए अपने को 7:30, तो यार बस घर पहुँचने वाले हैं, चंडी पंचकूला एंटर कर गए हैं। तो एक चीज़, अरे कैमरा साफ़ कर लेता हूँ, एक चीज़ हमेशा बोलूँगा जो बोलता हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए एंड अपना सपोर्ट करिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक और चीज़ यार, ये व्लॉग मैं 2 पार्ट्स में डालूँगा, काफ़ी बड़ा व्लॉग है, और ठीक है यही बताना था मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।